हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड। न्यूज़ ये है कि जेम्स गन के जो ब्रदर हैं शॉन गन, वो मैक्सवेल लॉयड का रोल प्ले करेंगे जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स में। मैक्सवेल लॉयड का कैरेक्टर ऑलरेडी पुराने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में अपियर हो चुका है। वंडर वुमेन 1984 जो मूवी थी उसमें पेड्रो पास्कल ने मैक्सवेल लॉयड का रोल प्ले किया था। लेकिन अब आप जानते हैं कि डीसी यूनिवर्स रिबूट हो रहा है, जो जस्टिस लीग मेंबर्स हैं सबके सब रिकास्ट हो रहे हैं, तो शॉन गन को अब ऑफिशियली कास्ट कर लिया गया है मैक्सवेल लॉयड के रोल के तौर पे। यानी कि जो पुरानी जस्टिस लीग है वो पूरी की पूरी रिकास्ट होगी। गैल गैडोट अब वंडर वुमेन नहीं रहेंगी। हमको नया सुपरमैन, नया बैटमैन तो मिल ही रहा है, और नई वंडर वुमेन भी मिलेगी जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स को। अच्छा गाइज, ये जो न्यूज़ निकल के आई है ये कई मायनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये, क्रिएचर कमांडो की जो एनिमेटेड सीरीज है उसमें दो कैरेक्टर GI रोबोट और वीजल, ये दोनों अपियर हो रहे हैं। वीजल का जो कैरेक्टर है गाइज, वो आप जानते हैं वो कोई डायलॉग तो बोलता नहीं है, वो केवल एनिमल वाले साउंड्स निकालता है। और GI रोबोट का जो कैरेक्टर है उसको भी शॉन गन ही वॉइस दे रहे हैं। तो मुझको ऐसा लग रहा है इन दो कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर, आई थिंक GI रोबोट का जो कैरेक्टर होगा, वो शायद क्रिएचर कमांडो की एनिमेटेड सीरीज में मर जाए वो कैरेक्टर। हालांकि वो एक ह्यूमेनॉइड रोबोट है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी शायद वो कैरेक्टर को एक तरीके से एंड कर दिया जाए उस कैरेक्टर को क्रिएचर कमांडो की टीवी सीरीज में। और फिर शॉन गन पूरे तरीके से मैक्सवेल लॉर्ड का रोल प्ले करेंगे जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स में। एक और चीज़ गाइज, जेम्स गन ने एक कॉमिक स्ट्रिप शेयर की थी जिसमें मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर इंटरैक्ट कर रहा है बूस्टर गोल्ड के साथ, और उन्होंने ये बात बोली कि मैक्सवेल लॉर्ड को मैं कभी कंप्लीट या पूरे तरीके से एक विलन नहीं मानता। और उन्होंने टैग किया एक राइटर को, एक कॉमिक बुक राइटर को, जिन्होंने मैक्सवेल लॉर्ड के कैरेक्टर के ऊपर वर्क किया हुआ है। उन्होंने भी ये चीज़ यही बोली कि हाँ, मैक्सवेल लॉर्ड पूरे तरीके से या कभी एक विलन नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ गाइस? इसका ये मतलब हुआ कि एक तो बूस्टर गोल्ड की जो टीवी सीरीज है उसमें मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर अपियर होगा ही होगा, और दूसरी चीज़ हो सकता है कि पूरे तरीके से वो एक विलन ना हो, थोड़ा सा एंटी हीरो टाइप का पोर्ट्रेयल हो सकता है मैक्सवेल लॉर्ड के कैरेक्टर का। क्योंकि जेम्स गन की जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो ये कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स को थोड़ा डिफरेंट रखना, क्योंकि मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर ऑलरेडी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में अपियर हुआ था, तो उसके पोर्ट्रेयल को थोड़ा सा वो अलग रखना चाहेंगे अपने वाले डीसी यूनिवर्स में, तो शायद ये रीज़न हो सकता है। और एक और चीज़, शॉन गन जो प्ले कर रहे हैं जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स में मल्टीपल कैरेक्टर्स, इससे एक बेनिफिट और ये मिलेगा कि बजट थोड़ा सा कंट्रोल रह सकता है हमारा। मेन प्रायोरिटी तो गाइज यही है, क्योंकि वो उनके भाई हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अच्छे से नेगोशिएट किया जा सकता है, तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक ये डिसीजन सही है। लेकिन सुपरमैन लेगेसी मूवी है जो आने वाली है, इसमें मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर अपियर नहीं होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसका रेफरेंस हमको ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद में भी अमेंडा वॉलर की टीवी सीरीज़ या बूस्टर गोल्ड की टीवी सीरीज़ में मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर अपियर हो जाए। तो गाइज, सुपरमैन लेगेसी मूवी की फिल्मिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन पूरे तरीके से हमको एक आइडिया मिलने लग गया है कि डीसी यूनिवर्स कितना ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है। अब आपका क्या ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।